नमस्कार दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि राजस्थान सरकार ने जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी, उसने कहा है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को प्रोविजनल प्रमोट किया जाएगा और फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे। हालांकि अभी तक अंतिम निर्णय आना बाकी है, जब भी अंतिम निर्णय आएगा लगभग इसी पर मोहर लगने के चांसेज हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको लेकर जो अपडेट आई है कि इस बार ऑनलाइन क्लासेस लगेगी या ऑफलाइन क्लासेस कब तक लगने वाली हैं, इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। और कितना पार्ट आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा, कितना कोर्सेज आपको करवाया जाएगा और कितना लंबे समय तक आपको ऑनलाइन क्लासेस लगानी पड़ेगी, तो इसको लेकर बड़ी अपडेट आई है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जुलाई में ऑफलाइन पढ़ाई करना नहीं है आसान, ये सभी को पता है। दोस्तों, जुलाई के अंदर किसी भी प्रकार की ऑफलाइन क्लासेस नहीं लग सकती। और देखिए, शिक्षण संस्थानों में विलंबित होंगे प्रवेश, परीक्षा और परिणाम, सारी चीज़ें इस बार भी प्रवेश हो चाहे परीक्षा का लेकर हो और परिणाम को लेकर, सभी चीज़ें विलंबित से होने वाली हैं। तो दोस्तों, मैं जो अपडेट आपको देना चाहता हूं कि कितना पार्टेज, यहां पर देखिए क्या क्या यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, वो देखिए दोस्तों। यहां पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिखेंगे ये बदलाव, इस बार कौन कौन से बदलाव दिखने वाले हैं। तो कोर्स का 40% ई कंटेंट होगा, संस्थानों में बढ़ाने पड़ेंगे नए सेक्शन, छात्र छात्राओं को लंबे समय तक ऑनलाइन अध्यापन करना पड़ेगा, ई लेक्चर वीडियो ई कंटेंट पर होगा फोकस, 2 शिफ्ट में संचालित हो सकते हैं संस्थान, विद्यार्थियों को देने होंगे ऑनलाइन प्रोजेक्ट असाइनमेंट। दोस्तों, इस बार जो सरकार है वो सेमेस्टर सिस्टम से भी करने वाली है, सभी को लगभग जो अपडेट्स आ रही हैं कि यानी साल में एक बार परीक्षा होने की बजाय 2 बार परीक्षाएं होनी चाहिए, तो इसको लेकर भी ये बातें चल रही हैं। तो जब भी ये अपडेट ऑफिशियली हो जाएगी तो आप तक सूचित कर दिया जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस बार ऑनलाइन क्लासेस पर ही ज़्यादा जोर रहने वाला है, जुलाई के अंदर नहीं खुलेंगी, अगस्त के अंदर भी मुश्किल है कॉलेज स्कूल खुलने। तो देखते हैं दोस्तों, जो भी अपडेट आएगी तो आगे आप तक शेयर कर दी जाएगी। तो इस तरह की और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।